करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ऊंची दुकान फीके पकवान। आदमी बोलता इतना है और फिर नेक दिन निपटे रह जाते देने के बाद अब हम जाते कहेंगे नहीं। रुक जा करूंगा तो सही करूंगा। ज्यादा कछु मत कियो एक सीजन में पूरे हो एक दंगल हेरो चिंता मत करो। ये कछु ना सुन बेटा शंभू पे कृपा है भोलेनाथ की और इस पब्लिक की। जे कबू मत गावे और जाको छोटो भैया कबू मत गावे। शंभू तो जिस तरीका से गाता है उसी तरीका से गाएगा क्योंकि शंभू को प्यार करती है ये पब्लिक। न ये इलायची दिख पाएगा मुझे न इसका छोटा भैया दिख पाएगा। शंभू को कोई कार्यक्रम देगा तो ये पब्लिक देगी। जब शंभू मेहनत करेगा तो ये पब्लिक बुलाएगी। बिल्कुल दबके गाऊंगा नहीं। जीवन में ये निकाल देना करण शर्मा जी के शंभू कभी दबके गाएगा। अब तुम्हें दो मिनट बात करूंगा तुम्हें नंगा नहीं कर दिया। पहली बात तो मेरी यही समझ में नहीं आ रही है आदमी को यही भरोसा नहीं है कि मुझ में बाप का अंश है कि नहीं है। बार बार मुझ में बाप का अंश नहीं मुझ में बाप का अंश नहीं पजम्मा में तो निकल ही जा रहे हैं। चुभाई हमन तो कब कहिए तो मैं बाप को ही होगा चाहे काऊ को सही। अम्मा ने तेरी ना प्याप थोड़ी बना ले तू। हाँ सौरभ भैया इसको बात को नोट करें नोट। अब देखो एक छंद गाया मैंने भाई साहब उसको कह भी रहे हैं कि बा में का खाई सरंद परी है। अब जाई भाषा देखो के बड़े बूढ़े जीपी शर्मा ने कहा तू का खामी रह जागो। फिर मैं जीपी शर्मा जी तुम ते नाऊ कह रहा तो करण भैया म्यूट होते नाऊ कह रहा। अब उसमें जब तुम्हें सनद पर रही है चित्र बंधु पर रहे हो है तो फिर तुम क्या कर रहे हो उसमें। तुम फिर सनद क्यों नहीं ला रहे हो चित्रबंध क्यों नहीं ला रहे हो। तुमसे ना तो मेरा छंद लड़ा है। एक टुकड़ा गाया था क्योंकि जनता जनार्दन कहते हैं परमात्मा। बिल्कुल जनार्दन कहते हैं परमात्मा। एक कलाकार के लिए ये जनता जनार्दन भगवान के बराबर है। बिल्कुल ना इससे दुश्मन आई है ना मोते दुश्मन आई है। जो सही होगा उसको ये जनता सही कहेगी और जो गलत होगा पंडित जी उसको गलत कहेगी। हाँ जी सौरभ भैया भगवान के दर्शन कर लीजिए। अब आम तक है लल्लू कह रो फटका जो गायो शायरी तो वह भी तो मानी जाएगी। चुवाई तू बिना शायरी के रसिया सभी रात गाय कैसे लेगो। फटका जो गाया शायरी तो वह भी तो मानी जाएगी। बिना शायरी के फिर तू रात भर दंगल गाय कैसे लेगो। भाई उस लाइन को चेंज करो। दूसरी बात एक टुकड़ा गाया था मैंने और खोल के गया था मैं के वो शंकर भगवान कह रहे हैं महानंदा वेश्या के लड़के से यानी वो साथ में था। मैंने ये नहीं कहा वो तीन दिन में पैदा है वो यानी वो साथ में था। उससे भगवान शंकर कह रहे हैं उसने खड़ुआ मांगे कंगन तो भगवान शंकर ने कहा कंगन तो दे दूंगा परंतु तीन रात की तुम्हें दुल्हन बनना पड़ेगा। और परमानेंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब वो तीन दिन के लिए बनी तो पार्वती के कहने पे भगवान शंकर ने उसे शिवलोक धाम पहुंचा दिया यानी कैलाश पे अपनी दासी के रूप में पार्वती ने रख लिया। और तुम कह रहे हो कि मैं दंगल हार जाऊंगा। मुझे अपने बाप की कसम है मैं दंगल हारूंगा भी और अपने पैसे दे के जाऊंगा अगर लेख मैं उल्लू को पट्टा दी के रहूं तुम्हें के जाए। एक बात बताओ जब लेख पढ़ के आया हूं तभी तो पूछ रहा हूं भैया। अब सुने शिव महापुराण को लेख हुए 645 नंबर पेज है और 45वां अध्याय है। मैं इस मंच पे कसम खा के जाता हूँ सवेरे अपने पैसे भी नहीं लूंगा तुम्हें अपने पैसे दूंगा अगर मैंने झूठा गाया हो तो। क्या बात है। और अगर सुना तुमने कहा है कि मुझ में बाप का अंश नहीं मैं दंगल हार जाऊंगा। अब तुम मैं बाप का अंश नहीं मानूंगा अगले नंबर पे तुम्हें अपने आप अगर तुम वाकई में करण शर्मा हो तुम्हारी आंखों में वाकई में पानी है तो तुम्हें अपने आप इस मंच पे ये कहनी पड़ेगी कि शंभू मैं आज दंगल हार गया। मैं कसम खा रहा हूं अगर मेरा लेख गलत हो तो मैं तुम्हें अपने आज के पैसे भी दे के जाऊंगा। बहुत बहुत आभार। अरे हर जगह इनका नाम चलता है हर जगह इनका नाम चलता है और इनका ही निजाम चलता है। और ऐसे नजरें क्यों मिला रहे हो मेरी जान तुम्हारा तो पीछे से काम चलता है। एक भाई साहब कह रहे एक मैंने कासगंजी बहर गाई गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया कि एक कासगंजी बहर होनी चाहिए।
तो मैं कासगंजी बहर में पीछे क्या कह के गया था उस आदमी को, सुनी रही ना है कि अमर सिंह राठौर अपने घर चला गया। वो घर को जाता है मुकुटा शर्मा जी, पहले सुना करो उसके बाद कलम चलाया करो। अरे इनका हाल तो वो है, इनका हाल तो वो है कि क्या तुम्हारा नाम क्या है, कि मेरा नाम फलान सिंह है, कि पीछे क्या ले गया तुमको, तुम्हारी इच्छा थूक लगा ली, तेल लगा ली, तुम्हारी इच्छा है वो। अरे सुधर जाओ ने, सुधर जाओ। और ये 51 रुपए का पुरस्कार दीपू पंडित जी विप्र अखाड़े वालों की तरफ से आया है, आशीर्वाद की कामना करेंगे। अब उसमें जब अमर सिंह राठौर घर चला गया, तुम का संबूत कह रहे हो, अब टुकड़े में कितनी गलत बात कह रहे हैं देखो जी, कि आज जो आशिक बना वेश्या का वो सर्वेंट हो गया, सर्वेंट, और 3 दिन ही में लौड़ा पैदा अर्जेंट हो गया, जहां तक चलो कोई बात ना, तुमने अपनी जान बचाने की कोशिश करी, उलाए तो ना सो जाओ। अब कौन थे कह रहे हैं पता, शंकर भगवान थे, सुन ले रे अरम्मा अरम्मा, गुजती अब सम्मा, और नीचे निकम्मा ले गई तेरी अम्मा, कहा ले गई शिव शंकर अम्मा। ऐसे ही तो रसिया वालों का नाश हो रहा है मेरी जान, ये तुमरे ऐसे लोग ही करा रहे हो। शिव शंकर अम्मा ले आ गई, अब जाने पूछो शिव शंकर अम्मा कहा ले गई, पूछो भैया। एक गीत गाया था मैंने जिसमें मर्यादा भी थी, जब तुम यार लौट के किसी की धुन का जवाब नहीं दे सकते, मैंने क्या कहा था, चुप ना रहूं जो कुछ कहूं, भाभी के लिए मैंने माई माना, क्योंकि लास्ट टुकड़े में क्या क्या, क्या कह के गया था मैं, के माथे की बिंदिया और सिंदूर तेरा जो वाकई में पति का होता दादाजी सुहाग, यानी तेरे हिस्से में माथे की बिंदिया सिंदूर तेरा, और नीचे का हिस्सा दे भाभी का मेरा सेवा के लिए, यानी नीचे के हिस्से में मैंने चरण मांगे। और तू कह रहो आगे भाई पीछे भाई, तो सुन बेईमान तो बने मत, हिस्सा बांट बाप बेटों को हो तो दादा, जब एक बात बताओ, दसविया खेत है तू बम्बई बम्बा पे ले गो, तो फिर मे पल्ले खेतम पानी न जावे गो, बताओ 5 बिया तू ले बम्बा पे 5 बिया मिलूंगो, रही बाप सड़क पे जो खेत बात कर रो में, के आगे वाली लूंगो पीछे वाली न लूंगो, वो कह रहा भाभी थे तो हिस्सा बांट कर रहा हूँ मैं तो भैया पे कर रहा हूँ प्लॉट आदि आदि लूंगो, घर और खेती में हिस्सेदारी है मेरी, यही बाप कह रहा हूँ कछु और कह रहा हूँ। अरे ये आए नहीं है, बुलाए गए हैं। हकीकत बात यह है करण भैया, आप अपने गिरेमान में झांक के देखना, आप में उम्मीद लेके आया था कि आज मेरे गीत का जवाब होगा, और इधर से आइए दो बात, एक में तो कह रहे हैं कि मैं मूड गयो चकराते, तू मेरी माने या मत माने, और तेरी बाप ते पहले तेरी अम्मा बकराते, यानी तू तेरी माने बकराते शादी करी, यानी दुर्योधन की माँ गांधारी, क्या बाबा भीष्म लेके आए उसको, तो उसको कुंडली दोष था, मंगली जिसे बोलते हैं, तो धतराष्ट्र से पहले उसकी शादी बकरा से कराई गई, उसका वो जवाब होगा करण भैया, कि तुम्हारे कान पे तड़ यही पब्लिक इतनी तालियां बजाएगी कि आज के बाद भूल जाओगे। एक गीत आया पीछे इधर से आइए दो बाप, और रसियाबाजी वो होती है पलंगते जान में बैंगन बेक बिना हुआ है भाई, हमने कब कही बैंगन बेक आयो, पैसे लिए हैं एक जेट रसिया गाने के लिए आयो, हमने कह रहे बैंगन बेक आयो है। अब तुम्हारी तरफ से दो बात आई है, एक बात और आई है, अब जा बाबा को वाकई में बेटा के नाती हो तो जा मारे हो ना, बताओ तुम बताओ मारे तो लगता है इसके बाप जैसा, गुंडा रे गुंडा किया पाप कैसा, और तू तो लगता है इसके बाप जैसा। बाबा ने बुलाया गया, बेइज्जती कर रही उनके हैं, सुने वो तो खैर मानियो के ये ब्रज क्षेत्र है, तुमसे कुछ कहा नहीं है, अगर वाकई में बाबा को छोरा के नाती आ जाता ना तो तेई चांदे फाप दें, तो बाबा की फाप दें, तो और पनिया फाप दें, तो ये क्या बात है यार, कम से कम गीत ऐसा तो गाओ, तुम एक बड़े बूढ़े आदमी की तुम बेइज्जती कर रहे हो, कि तू तो लगता है इसके बाप जैसा, यानी छोरी ते बा को ब्याह करवा रहे हो हैं, हे मर जा कौन छुल्लू भर खामा खाम की बात कर रहे हो, और तुम कछु के ना जान हटा दो, देखो जे मुंह को तार मेरो, तुम अगर कछु केन और परमिशन दे तो जाई खा ले तो उधेड़ दूंगा, हाँ उधेड़ दू,
अरे मेरा देश तरक्की कर रो है, दिन रात आदमी मर रो है, और आगे ते मुष्टी घुस रही और पीछे ते ऊंट बबल रो है। ये इच्छा मन रवे का पुरस्कार सेवा चाचा बेपर खाड़े वालों की तरफ से आए, और उनका कहना है बेटा जिस तरीका से तू आता उसी तरीका से जाई, खालम भूस भरी दे वही सो जाए, बैसाख को महीना है। आ, कोई दिक्कत ना, भर दे। और अब होगी नंबर की समझा बेटा, का कह रहे करण भैया के जे तलवार है जाने के खबा प्या, और जे पैर के आई सलवार है, तो सुनो जे तलवार है भाई तुम पे पहचानना है भाई, बेशक छोटी है ये, बेशक छोटी है ये, पर इसकी पैनी धार है। जे कह रहे तलवार है और जे पैर के आई सलवार है, तो सुनो बेशक छोटी है ये, पर इसकी पैनी धार है, और कर देगी बार तो तुझे बीच में देगी फार है। ये तलवार बनाती सलवार भाई, ये समूह बागड़े का मंडल है मेरी जान, कोई बीड़ी का बंडल नहीं, सो बजा के फेंक दो तुम। अब वो नंबर तो सुनो, अब नंबर अब चुटिया थाड़ी भैया, सही मायने में बताऊंगा मैं कहा हूं तो नंबर जब देखेंगे शुरू आप राय वालों की तरफ से। जिन कह रहे हो तेरी अम्मा ने ते बाप ते पहले ब्याह करो बकरा थे भैया लगा, करण भैया एक बात तो तुम देखूंगा भाई हाथ जोड़ के पहला भाभी समझाओ, चूंकि मैं पूरा बीजू सा हूं, जाके भीतर खुद जाऊंगा पामन समय, तो फिर डोले की टेम्पू से हलाएगी। एक बात बताओ, मैं माऊ आए दंड मार रही हो तो बंजू कर रही, अब वो भीतर तक जाको इन्वेटर चमक को, कोई बैटरी चार्ज कर जाको जाके इन्वेटर, जो कह रही मेरी रब मेरी जवानी ऐसी है जैसे दिल्ली की राजधानी है, हमें ना लग रही थी दिल्ली की राजधानी है। इधर से कह रहे थे चालान भैया मैं पेश कर दूं, बिल्कुल हाँ बेटे जम पे आके घोड़ी की तरह उड़ रही है, पता ही ना पड़ रही कर रही है, दंड मार रही तो ना चल करण भैया जा खूब बनो रे खबा रहो आज कल रई कूद मंच पे घोड़ी सी, रई कूद मंच पे घोड़ी सी, करे करे के जे पीटी हारेगी, करे करे के जे पीटी हारेगी, करे करे के पीटी हारेगी, चाहे दोष लगे वो हत्या को, चाहे दोष लगे वो हत्या को, जो दूध में चीटी डारेगी, जो दूध में चीटी डारेगी, जो दूध में चीटी डारेगी, तेरे नक्शे नाज बदल दे वो मैडम। हाँ भैया, और ये 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे शिवम पॉलीटेक्निक कॉलेज गोपालपुर मथुरा वालों की तरफ से आशीर्वाद की कामना करेंगे। दे वो तेरे नक्शे नाज बदल दे गो, तेरे नक्शे नाच बदल दे गो, जो ओलम टीटी झारेगी, जो सुने तेरे नक्शे नाच बदल दूंगो, तेरे नक्शे नाच बदल दूंगो, जो ओलम टीटी झारेगी, जो ओलम टीटी झारेगी, जो ओलम टीटी झारेगी। नोटों की वगैरह छोटे
छोटे भैया की तरफ से एक बार निवेदन करूंगा, गोलू भैया की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। योनी से आए भैया जो ओलम टीटी झारेगी, जो ओलम टीटी झारेगी। और ये 51 रुपए का पुरस्कार विक्की भगवान सिंह बिल्ला मंदिर वालों की तरफ से आया है, आशीर्वाद की कामना करूंगा। देख और सुनो भैया, ताली इतनी होनी चाहिए नीचे, जब प्याली सी चटक जाए मैडम की। चिंता मत करे बेटा, और करण भैया अपने पूरे नंबर की ताली नाप लेना, तुम्हारी तरह ये तो कहूंगा नहीं मुझे, मैं बाप का अंत नहीं है। खूब कूट कूट के भर रो, बाप को ये अनुभव का वैसा को ना है, तुम्हारी तरह बात बात पे ताली नाप लेना। और तुम्हें कसम है, अगर बच्चे की मेहनत आपको अच्छी लगे तो इतनी ताली बजे के जाकर कान सुन एजामे बहरे से आतरस तक जाना। पर फूफन की ताली और देख मेरी जान प्याली चटक गई। ओ लमटी टी झारे की जो, ओ लमटी टी झारे की जो, ओ फंस गई है बाब रे के चक्कर में नीचे देसी टी। बेटा रुक जा, दादा का ही कह रहे हैं सुनंद बैल। अरे तुम जो चले गए, तुम जो चले गए तो गोपी बड़ी खराबी। उधर से भैया कह रहा था देखिए, अरे सुन लोग सभी चकराते, सुन लोग सभी चकराते, तू मान या मेरी मत माने, तेरे बाप थे पहले बकराते। जी बहुत बड़े गरुण पुराण में दिखा रहे हो, मेरी पिलोट तो बुरी लगती है भैया, अब मेरी अम्माएं बकरा के संग ब्याह करवा रहा है, बहुत ज्यादा पुराण दिखा रहा है। अरे तेरे बाप ते पहले बकरा थे, करी शादी तेरी माँ ने, तेरे बाप से बकरा ने पहले शादी करी तेरी माँ। और ये 51 रुपए का पुरस्कार देवकर नगरा से आए धीरज ठेकेदार जी की तरफ से, 100 रुपए का पुरस्कार प्रेम सिंह आरो वालों की तरफ से आया है जो मथुरा से आए, मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। अब जब मेरी जिनने दो अर्थ दिखाए माने यानी मानना और एक मेरी माने, ठीक है साहब, अब दो ही अर्थ में दिखूंगा जा भैया है, और तो खटकेंगी दिलाए ने दो अर्थ की दे। तेरे हाथ में ना पकड़ा दे, हाथ में ना पकड़ा दे, हाथ में ना पकड़ा दे। इधर से काफिया दे पंडित जी, चकराते और बकराते और टकराते, तेरा काफिया भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे हाथ में ना पकड़ा, ले गए तेरी बहन को थाने, तेरे हाथ में ना पकड़ा, हाथ में ना पकड़ा, लग गए तेरी बहन के दांते। थाने तो जानते हैं, जमुनापार थानो, लक्ष्मी नगर थानो, ठीक है साहब। अब यहाँ डॉक्टर साहब और बैठे हैं, पोइन के डॉक्टर होंगे जागाम में। अब एक थाने देखियो घटाई कहाँ, ठीक है। के तेरे हाथ में ना पकड़ा, ले गए तेरी बहन को थाने, और देख अब काहे को डकराते, अब काहे को डकराते, डारेंगे हाथ बाम थाने। थाने जानते हैं, चेक करवाएंगे के महीना की है। दो अर्थ ही बात चल रही है, थाने दोनों अलग अलग मिलेगी दे। अरे अब काहे को टकराते, अरे डारेंगे हाथ बाम थाने, अब काहे को